अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही फेमस इंडियन स्ट्रीट फूड रेसिपी शेज़वान चिकन नूडल्स। इस रेसिपी को बहुत आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल फास्ट फूड कॉर्नर्स पर मिलने वाले चिकन नूडल्स की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में 2 लीटर पानी लेंगे। इसमें 200 ग्राम्स नूडल्स ऐड करेंगे। 2 लीटर पानी में आप 200 से 250 ग्राम नूडल्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप 2 टीस्पून भरकर नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसे हम बॉइल होने देंगे। ऑयल हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो नूडल्स है वो स्टिकी ना हो जाए, इसलिए ऑयल ऐड करना ज़रूरी है। अब हम इसे बॉइल होने देते हैं। नूडल्स जब तक बॉइल होगा हम तब तक चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से इसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसमें हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1.5 टीस्पून रेड चिली सॉस डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसे आप स्किप करना चाहे कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चिकन को मैरिनेट करके साइड में रख देंगे। अब हम दूसरी साइड पर चेक कर लेते हैं। नूडल्स अच्छी तरह से पक गया है, इसे हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। इस तरह से नूडल्स टूट जाना चाहिए, मतलब ये कुक हो चुका है। अगर अब हम इसे और ज़्यादा पकाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और बाद में ये स्टिकी हो जाएगा, इसलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस पानी को स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। नूडल्स को एक बार ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि गर्म होने की वजह से इसमें ओवर कुकिंग ना हो, इसकी ओवर कुकिंग स्टॉप हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसे अब हम इस तरह से फ्राई करेंगे। जब ये हाफ डन हो जाए तब हम इसे इस तरह से तोड़ लेंगे, इसे क्रम्बल कर लेंगे। क्रम्बल करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। अगर आपको एग पसंद नहीं है या चिकन नूडल्स में आप एग नहीं डालना चाहते तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। अब सेम पैन में तकरीबन 50-60 ml ऑयल ऐड करेंगे। इसे हल्का सा गरम होने देंगे। ऑयल जब हल्का गरम हो जाए तब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर चॉप किया हुआ गार्लिक और 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ जिंजर ऐड करेंगे। इसे हमें हल्का सा सॉटे करना है। हल्का सा सॉटे करने के बाद इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन पूरी तरह से इसमें पक ना जाए। आप चाहे तो चिकन को अलग से भी फ्राई करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 स्लाइस की हुई प्याज और 1 स्लाइस की हुई शिमला मिर्च ली है, इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 कप पत्ता गोभी स्लाइस की हुई ली है और 1/2 गाजर स्लाइस की हुई है। इन सभी वेजीज को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और नमक ऐड करके इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे।
अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। वेजीज को हमें इतना पकाना है कि इसमें एक बाइट जितना कच्चापन रहना चाहिए। वेजीज पक गई है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून शेजवान सॉस या शेजवान चटनी। शेजवान चटनी की रेसिपी मैंने अपने वीडियो में शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फिलहाल किसान का शेजवान सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी अच्छे ब्रांड का शेजवान सॉस यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम बॉईल किया हुआ नूडल्स ऐड कर देंगे और साथ ही फ्राई किया हुआ एग इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम हरी प्याज के थोड़े से पत्ते ऐड कर देंगे और इसे जस्ट मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा शेजवान चिकन नूडल्स रेडी है, इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इस तरह से शेजवान चिकन नूडल्स आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बना है, बिल्कुल फास्ट फूड कॉर्नर्स पर मिलने वाले नूडल्स की तरह। इस रेसिपी के साथ इसे बहुत आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी।